ओके प्लीज राइट डाउन जितेंद्र वेलकम बेटा जितेंद्र अराउंड 7-8 पेज छोड़ो 7 to 8 पेजेस छोड़ के राइट दिस जितेंद्र जितेंद्र आर यू लिसनिंग जितेंद्र मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे पास कि नहीं जितेंद्र यस सर हाँ यस तो स्टार्ट राइटिंग दिस प्रॉब्लम और 7-8 पेज छोड़ देना स्टार्टिंग के ओके सर हाँ गुड मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ सुनो ध्यान से आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू आस्क मैं एक नया चेंज करना चाहता हूँ सब लोग अपना वीडियो ऑन करो एवरीबडी बट कीप योर सेल्फ म्यूट बट कीप योर वीडियो ऑन एवरी वन ऑफ यू माज अफीफ विधि ऋषा ओम ओम आया नहीं अभी तक कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन खाली वीडियो चालू रखो सो दैट आई कैन सी वेयर इज योर अटेंशन ओके ऑल ऑफ योर कॉपी आर ऑल ऑफ यू कॉपी बोलो यस नो आफिफ आर यू देयर यस सर आई एम कॉपीइंग वीडियो ऑन करो वीडियो ऑन करो यस दैट्स राइट माज वीडियो ऑन करो माज प्रिशा एंड विधि यू ऑल्सो सो डेट आई कैन एक्चुअली थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है यू आर वेयर इज योर अटेंशन गुड ओके नाउ यू नो आवर प्रॉब्लम इज कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस यानी 3, 6 और 5 कैन यू सी 3 and 6 आर कनेक्टेड इन 3 and 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल Parallel. And in case that may 5 ohm is connected in series, then they want total current in the circuit. Alright, and they want potential difference across 5 ohm. ये मैंने add किया, ये book में नहीं था. इसके around out of 14 volt कितना यहाँ जाता है, कितना यहाँ जाता है. That is what they are asking. So let us understand first part of it. Total resistance. मैंने कल बताया था आपको. These two are in parallel. Can I name this as what बोलो इसका नाम क्या दे दू बताओ इसका नाम दे दू What should I write? R1. And what I'll write? R1 equal to what? 3 ohm and 6 ohm in parallel. 3 ohm and 6 ohm in parallel. Copy this down. जितेंद्र धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आज जरा ऐसे ही कर लो कॉपी साथ साथ में ओके नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 and 6 मैंने दो के लिए आइडिया दी थी प्रिशा व्हाट वाज द आइडिया 3 and 6 इन पैरेलल दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो क्या आइडिया है 3 into 6 upon 3 plus 6 दैट्स वेरी गुड दैट मींस 18 upon 9 That is equal to 2 ohm. That is equal to 2 ohm. Alright? Now, we have to draw a new circuit. This is plus minus 14. And this is what is 2 ohm. And this is what is 5 ohm. And now these two. Isko kya bolu main? इसको क्या बोलूं इसका नाम क्या दूं व्हाट नेम आई शुड गिव आर टू आर इफेक्टिव या आर फाइनल व्हाटएवर यू वांट टू से तो आर टू बोल सकते लेकिन ये फाइनल आंसर है ना इसलिए आर इफेक्टिव बोलेंगे बेटर विल बी आर इफेक्टिव व्हाट इज आर इफेक्टिव मींस 2 ओम एंड 5 ओम इन सीरीज एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इक्वल टू व्हाट 7 ओम दैट इज इक्वल टू 7 ओम ये फर्स्ट आपका आंसर आ गया
देखो फर्स्ट का आंसर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 7 ओम. टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 7 ओम विधि वीडियो ऑन करो. ओम वीडियो ऑन करो. I'm unable to see your screen. Who is unable to see? Savithi. Vidhi. Everyone is unable to see. Afif, screen dikh raha hai ki nahi? Clearly. Huh? Seem clearly. Jitendra, aapko screen dikh rahi hai? Jitendra? Yes, sir. Okay. So, Vidhi, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है. टोटल करने तो सर्किट यूजिंग V इक्वल टू आई आर बिफोर I इक्वल टू V अपॉन R. V कितना है? V है 14, R है 7, सो दैट इज 2 एम्पियर. टोटल करंट इन सर्किट equal to 2 ampere. ये second answer आ गया. Third actually पूछा ही नहीं है. If you see the question in our notes, question 42, उसमें ये पूछा ही नहीं है. Number 3, I am doing extra. मुझे सिर्फ इतना बताओ. All of you just stop doing anything. मुझे इतना बताओ, can I say let the potential here be V1 and let the potential across 5 ohm be V2. We want to find V1 or V2. They want PD across 5 ohm. So we want V1 or V2? V2. अच्छा मुझे एक और बात बताओ. V1 is across 2 ohm. मुझे बताओ 2 ohm is resultant of 3 ohm and 6 ohm. क्या PD across 3 ohm and 6 ohm are same? क्या पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम बोलो 6 ओम बोलो, इज इट सेम और डिफरेंट? सर बिकॉज़ दे आर इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अक्रॉस 3 ओम एज वेल एज 6 ओम. दैट मींस जब 2 ओम के अक्रॉस V1 है, दैट V1 इज अक्रॉस 3 ओम एज वेल एज 6 ओम बिकॉज़ 2 ओम इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल विल बी सेम बट सीरीज में करंट विल फ्लो द सेम. तो यहां पे करंट विल बी आई. नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द इक्वेशन आई कैन राइट? V1 प्लस V2 कितना लिखूं बताओ? हु विल टेल मी? टोटल पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? सर 14. 14, दैट्स वेरी गुड. पोटेंशियल अप्लाइड V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखा था प्रूफ के टाइम पे. All right. And tell me, can I say V1 equal to I into R1 and V2 equal to I into R2 and therefore tell me what should I write? I kitna hai? V1 equal to I kitna hai? I is 2 and R1 kitna hai? R1 is 2. So V1 ka answer kitna hai? 4 volt and V2 kitna hoga? V2 is I kitna hai? 2. R2 कितना है? 5. तो V2 is 10 volt. दस फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे. आंसर्स जो इसको चाहिए वो PD across, मैं इसको रिपीट करूंगा, डोंट वरी. PD across 5 ohm इक्वल टू कितना लिखूं आंसर? व्हाट आंसर आई शुड राइट? PD across 5 ohm 10 volt. अभी पूछा नहीं हमको सर, एक्स्ट्रा देता हूं. एक्स्ट्रा आंसर पीडी अक्रॉस 3 ओम, पीडी अक्रॉस 6 ओम. क्या लिखूं? पीडी अक्रॉस 3 ओम कितना और पीडी अक्रॉस 6 ओम कितना? 4 वोल्ट. सर बोथ आर 4 वोल्ट. वेरी गुड, वेरी गुड प्रिशा. एंड व्हाट अबाउट 6 ओम? पीडी अक्रॉस 3 ओम इज 4 वोल्ट, बट व्हाट अबाउट 6 ओम? That is right, because they are in parallel. जीतू डरना मत, आज पहला लेक्चर है, थोड़ा सा पेशेंस रखना. आप सडनली बीच में आए हो. जितेंद्र डोंट गेट नर्वस,
Okay, sir. Okay, good. तो एक बार देखो फिर से मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कैसे किया है मैंने. सबसे पहले मैंने कहा ये लोग ने टोटल रेजिस्टेंस पूछा था, तो मैंने ये दोनों का रिजल्टेंट निकाला. इसका रिजल्टेंट आया दोन, तो ये दोनों के बदले मैंने दोन ड्रॉ किया. देन टू एंड फाइव आर अपेंड टू बी इन सीरीज, तो इसका मैंने आंसर लिया आर इफेक्टिव. तो आर इफेक्टिव इज 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7 ओम. तो पहले का आंसर आ गया टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 7 ओम. Using V equal to IR, they are asking total current. So I will be total potential upon total resistance. Total potential applied is 14. Total resistance is 7. So answer I have 2 ohm. The 2 ampere, that is 2 ampere flow कर रहा है. इधर से 2 ampere निकलता है तो और पूरा यहाँ तक जाता है. Now V1 plus V2 is 14. वो लोग ने पूछा है what is potential difference across 5 ohm. तो मैंने क्या किया? 5 ohm में कितना, 3 ohm में कितना, 6 ohm में कितना, सब निकल दिया. Right. So, what will it do? So, V1 plus V2 is 14. V1 equal to I into R1. Because current is same, na? Dekho, R1 yani 2. Aur ye 5 ohm hai. Current is same. So, V1 will be 2 into 2. And that is equal to 4 volt. V2 will be 2 into R2 kitne 5. So, idhar actually yehi chahiye tha unko answer. Lekin maine ye bhi de diya. Kyunki 2 ohm is resultant of 3 ohm and 6 ohm. So, 3 ohm ke across jo hai, वही 6 ओम है, वही अक्रॉस 2 ओम है, बिकॉज 2 ओम इज रिजल्टेंट. एंड पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज रिमेंस द सेम. आई होप दैट्स क्लियर. एक और थोड़ा ऐड करो इसमें. अगर वो पूछते हैं व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम एंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम, विल इट बी सेम सेम एज 2 एम्पियर? एक ऐड करो, एक क्वेश्चन ऐड करो फोर्थ. बच्चे लोग विधि कैन यू सी और स्टिल यू कांट सी विधि? सर आई कैन सी बट इट्स ब्लर. अरे ब्लर मतलब आई थिंक योर बैंडविड्थ इज लो. देखो वहां पे कुछ लिख के आ रहा है योर बैंडविड्थ इज लो कर दिया. या इट्स कमिंग. बस बस बस, तो दैट इज योर प्रॉब्लम. यू प्लीज चेक द इंटरनेट कनेक्शन और शायद 4G पे यूज करके देखो. 4G नेटवर्क पे वाईफाई के बदले परहैप्स सिचुएशन में इंप्रूव. यस आई ट्राई, आई डू इट. ये मिटा दूं, ये मिटा दूं क्या? मैं मिटा दूं? यस नो? यस सर. तो बताएं अभी मुझसे पूछा गया है, मैंने एडिशन में ऐड किया है. व्हाट इज एडिशन? एडिशन फोर्थ लिखो. फोर्थ दी फिफ्थ, हाँ फोर्थ. करंट फ्लोइंग थ्रू थ्री ओम and 6 ohm resistances. अब मैं इसका एक सेपरेट डायग्राम बनाता हूं. यह है 3 ohm, यह है 6 ohm. ऑलराइट. ओके मुझे इतना बताओ, हाउ मच इज करंट कमिंग हियर? यहाँ पे करंट कितना आ रहा है? विल टेल मी यहाँ पे करंट कितना आ रहा है? दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर. यहाँ पे करंट डिवाइड होता है. यहाँ पे थोड़ा करंट इधर जाता है, थोड़ा करंट इधर जाता है. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू? आफ्टर 2 एम्पियर कुछ करंट जाता है 3 से, कुछ करंट जाता है 6 से. व्हाट शुड आई डू? Applying formula, we can get it. No, I'll do one thing. I'll write this as, let us say I1. And write this as I2. Alright, this is I1. And this is I2. Again, I1 plus I2 will become 2 ampere. ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes. देखो, 2 ampere आके यहाँ पे आके सोचेगा, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ? जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? तो 2 ampere में से एक I1 वाला पॉइंट बोलता, चल मैं यहाँ से जाता हूँ. और रिमेनिंग पार्ट I2 बोलता है यहाँ, सच दैट I1 प्लस I2 इक्वल टू 2, I1 प्लस I2 इक्वल टू 2. नॉट क्लियर? और क्लियर
वो अगर तीसरा होता तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री होता. ओ क्लियर और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट क्लियर? दो एम्पियर यहां तक आया, उसमें से आई वन इधर गया, आई टू इधर गया. What should I write the next step? What equation I should write? I1 plus I2 equal to 2. Since 3 ohm and 6 ohm are in parallel, therefore PD across 3 ohm is equal to PD across 6 ohm. Is this clear or not? Yes, sir. Okay. Therefore, PD across kya hoga 3 ohm? I1 into 3. Because formula V equal to IR. Or either kya hoga? I2 into 6. Aa raha hai samajh mein? Samajh mein aa raha hai? Well, this is equation number 1. And इसको बोलते हैं therefore I1 equal to 2 I2. Equation number 2. Substitute 2 in 1. Am I making it complicated? Yeah? Complicated so, है क्या ये? So instead we can apply the formula V is equal to I1 R and we can get it. Is that also not? I1 किधर है लेकिन? Where is I1? Where is I1? So we have to find I1. हाँ तो I1 निकालना पड़ेगा ना. Yes sir. हाँ then I1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 ohm से तो we'll get the answer PD across 3. I2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो we'll get PD across 6. So we have to get I1 and I2 ना. So therefore 3 I2 के बदले 2 I2 लिखा. तो 2 I2 plus I2 3 I2 equal to 2. तो I2 कितना? 2 by 3 ampere and I1 equal to 2 times I2 yani ke 4 by 3 ampere. Therefore current through 3 ohm equal to 4 by 3 ampere and current through 6 ohm resistance is 1 बार वापस एक्सप्लेन करूं Sir, we can apply the formula and get it, sir. That's more easy. Which one? Tell me. Sir, we can substitute the potential difference and resistance in the formula V is equal to IR. Then we can get I1 and I2. Okay, that method also you can do. No problem at all, beta. देखो इधर है ना, we have to ask current flowing through 3 ohm and 6 ohm resistance. तो मैंने यहाँ पे ना ये 2 ampere तो निकाला था, तो 2 ampere यहाँ पे, 2 ampere में से I1 इधर गया. I2 इधर गया. All right. तो अगर I1 का आंसर मिल जाएगा तो potential difference across 3 ohm will be 3 into I1. Potential difference across 6 will be 6 into I2. Like that. But we want I1. So 3 ohm and 6 ohm are in parallel. Therefore PD across 3 ohm equal to PD across 6 ohm. Potential difference by Ohm's law is what? Current into resistance. So PD, because they are in parallel, PD will be same. Therefore, I1 equal to 2I2. This I substitute here. So 2I2 plus I2, yani 3I2 equal to 2. I2 equal to 2 by 3 ampere. I1 will be 2I2, therefore 4 by 3 ampere. Current through 3 ohm resistance is 4 by 3. Current through 6 ohm resistance is 2 by 3. That way you can do. Copy this down. Ek homework lo, aisa similar. ये मैं मिटा दूं इसको. Care about this? Yes, sir.
Where is this fellow? Okay. Now, you can do one thing like this. Total current in the circuit, this let us say total current flowing the NPT across. अच्छा इसको अलग तीन चार चार और इसको पांच दे देते हैं. NPT across 5 ohm current flowing through. इसको होमवर्क करना है आपको. यू हैव टू डू दिस एज होमवर्क एंड एवरीबडी मस्ट सबमिट इट बाय टुडे इवनिंग ऑन माय व्हाट्सएप एक्सेप्ट जितेंद्र. ओके इसके बाद लिखो एक क्वेश्चन. लिखो क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम द नोट्स. जरा रीड करो आफिफ क्वेश्चन 43. क्वेश्चन 43 रीड करो. क्वेश्चन 43 रीड करो. स्टेट द फैक्टर्स. बेटा दोस्त को केयर अबाउट दिस? नो सर. नो question 4343. Sir, state the factors affecting the resistance of a conductor. That is right. Write down that question. State the factors affecting resistance of a conductor. Factors affecting are length, area of cross section, and number 3 material. Answer likh dalo. Factors affecting are length, area of cross section, and material. Length, area of cross section, and material. Ab hai na, mujhe aapke muh se answer chahiye. Who will tell me the answer? Dhyan se suno khali. Suppose L is length, A is area. Material के बारे में अलग से बात करेंगे. Actually क्या पता चला मालूम है? जब length छोटी होती है ना तो resistance भी छोटा. जब length बड़ी हो तो resistance भी बड़ा. जैसे जैसे length बढ़ाते हैं resistance बढ़ता जाता है. तो what is the relation between resistance and length? Anybody? As length increases, resistance also increases. As length decreases, the resistance also decreases. So what is the relation between resistance and length? Directly proportional. That is right. Directly proportional. ये बढ़ता भी ये भी बढ़ता है. ये घटता भी ये भी घटता है. मतलब they are directly proportional. और एक और चीज सुनो. पहले तो area of cross section यानी क्या? What is the meaning of area of cross section? So the width of the wire, is it like that? देखो ये जो है ना, ये suppose एक wire है. इसको मैं बहुत बड़े microscope में देखूँ तो it would look like this. It would. और बड़े microscope में देखूँ तो it would look like this. So this is what is area of cross section. Generally circular. Generally this circular. So this area, क्योंकि बहुत छोटा होता है, you know, area बहुत छोटा होता है. अब सुनो, interesting बात. जो area बड़ा रहता है, इतना बड़ा area, तो resistance की value कम रहती है. जैसे resistance छोटा किया, तो resistance will increase.
और छोटा किया तो रेजिस्टेंस विल वेरी मच इंक्रीज, और एकदम छोटा किया तो रेजिस्टेंस विल बिकम वेरी वेरी हाई. एज एरिया डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस गो ऑन इंक्रीजिंग. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट्स वेरी गुड. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. मतलब जितना पतला होता है ना, जितना पतला होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है. इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि पतला देख के लड़ने का नहीं, पतले का रेजिस्टेंस और जबरदस्त रहता है. जितना पतला वायर उतना रेजिस्टेंस ज्यादा. ऑलराइट बेबी, इफ आई कंबाइन द टू, इफ आई कंबाइन द टू, व्हाट इज द रिलेशन? इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू सी, यू नो मैथ्स का फॉर्मूला इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इनटू व्हाट? इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनल टू बी सी. देयरफॉर टेल मी कंबाइनिंग. Combining, what will I write? R proportional to? मुझे बताओ. L upon A. That's right. L upon A. And therefore R equal to some constant. Constant to, you know, this symbol have I used before? Have I used this symbol before? बोलो. Yes, sir. इसको symbol को बोलते हैं rho. क्या बोलते हैं? R H O. Rho. So R equal to rho L upon A, where rho is a constant called specific resistance. It's called specific resistance. अरे सुनो जीतू, जितेंद्र, ये अभी इंडिपेंडेंट है, ये समझ में आना चाहिए आपको. ये है ना, ये समझ में आना चाहिए. इसका कुछ कनेक्शन नहीं पहले वाले पार्ट से. हाँ, तो ये समझते जाओगे तुम. इसका पहले वाले पार्ट से कुछ लेना ना देना. हाँ, देखो इधर, देखो एक बार फिर से. इट इज फाउंड दैट एज लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस. द रिलेशन इज आर प्रोपोर्शनल टू एल. इट इज फाउंड एज एरिया डिक्रीजेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. दैट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कंबाइनिंग द टू आई गेट आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. Therefore, R equal to constant into L upon A, where rho is a constant, which is called specific resistance. Or कभी कभी उसको बोलते हैं resistivity. उसको बोलते हैं resistivity. अब material के बारे में, तीसरा material, material के बारे में बताऊं. जैसे you know, iron, copper, gold, silver, all these metals contain large number of free electrons. Contain what? Large number of free electrons. One minute. Hello. Material. You know, material is what? Copper, iron, gold, silver. ये ना copper, iron, gold, silver. All these are metals which contain large number of free electrons. But you know, rubber, wood, wax. All these are, you know, do not contain large number of free electrons. They are poor conductors. They are good. So resistivity का value depends on the material also. What type of material you are using? Okay? तो ये ध्यान रखना material की बात हो गई. तो एक बार फिर से. हाँ बस रो का नाम क्या है? Okay, let me ask you some question. Mars, what is the relation of resistance with length? So directly proportional. Jitendra, what is the relation of resistance with area? Jitendra? So inversely proportional. That's very good. Bahut achha answer hai. Bahut achha answer hai. Combining the two, Vidhi, what can I write? Resistance will be equal to rho length upon area. Where rho, Prisha Shetty, is known as what? Rho? So constant of specific resistance or resistivity. That is right. So, ye hai na, aapko hai na, question number 44 se aapko copy kar lena hai baad mein. Question number 44 ka answer read karo. I would like, Prisha, do you have book or no? Prisha beta, do you have book or no? Yes or no? Haan to na, haan ya na to bolo. Yes or no? Sir, I have. Read 44 ka answer.
Read. Yes, sir. प्रिशा रीड करो यार, इतना टाइम, बाप रे. ओके माज, तुम्हारे पास तैयार है? माज. यस सर. रीड करो. डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. From equation 1 and 2, R is rho L upon A, where rho is a constant of proportionality and it is called specific resistance or resistivity of a material of the conductor at a given temperature. Thus, resistivity is given by rho is equal to resistance into area upon length. Very good. Ab chali hai na, ye last wala maine likha nahi tha. So therefore, abhi main supply karenge, to therefore what is rho equal to? R into A upon L. Khali main supply kiya hai. Iske baad title likho. Define specific resistance or resistivity. Aisa likho. Define specific resistance or resistivity. Isme diya nahi question, but I am adding. Likho. Define. Itni jagah chodo. Ghar pe isko. Baad mein aaram se samajh ke copy kar rahe hain. We can save our time. Define specific resistance or resistivity. Now, देखो, since rho equal to R into A upon L. Okay, तो यहाँ पे if L equal to 1 and A equal to 1, therefore what will be rho equal to? मुझे बताएगा कोई? ये वन तो रो क्या होगा? ये वन तो रो क्या होगा? इक्वल टू आर. इक्वल टू आर. बस इसके ऊपर डिफाइन करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज. ये क्या ही है? आर यानी क्या? आर यानी क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. लिखो मेरे साथ साथ, लिखते जाओ. ऑफ द कंडक्टर. इसके बारे में क्या लिखो? एनीबडी कैन टेल मी इसके बारे में क्या लिखो और इसके बारे में क्या लिखो? L equal to 1 यानी इंग्लिश में स्टाइल में क्या बोलते हैं 1 को? कैन यू टेल मी व्हाट वी से 1 को स्टाइल में? यूनिट. दैट इज राइट, पर यूनिट लेंथ. और उसके बाद यूनिट और एक और यूनिट लिखना है. व्हाट इज दैट? ये भी यूनिट है ना, इसको क्या लिखूं? पर क्या लिखूं? या राइट पर यूनिट एरिया. दैट इज राइट. यूनिट एरिया के बदले लिखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटर लिख देने का, साइड का एरिया. खत्म. अपने ओन वर्ड्स में लिखने का, इसमें ज्यादा दिमाग थोड़ी करने का नहीं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना भी लिखोगे तो चलेगा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ पर. ये इतना कॉपी कर लो, फटाफट फटाफट कॉपी करो और टाइटल लिखो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ये मिटा दूं इसको मिटा दूं कि नहीं? इसको मिटाऊं क्या? सर आई एम कॉपीइंग इट. ओके, अब मिटा दूं? Yes, sir. इसके बाद लिखो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी
Jitu, Jitendra. Jitendra. Yes, sir. ये सेकेंड पार्ट है ना, इंडिपेंडेंट था, पहले से कुछ कनेक्शन नहीं था उसका. हाँ, तो आज का ये जो मैंने पता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एरिया, वो सब आंसर आने चाहिए अब आपको. ओके सर. अच्छा, upon unit of length, go on writing along with me. Yes, who will tell me what is the unit of resistance? Unit of resistance kya hota hai, bolo. Ohm. Ohm. What about unit of area? The meter square. Meter square. Square. What about unit of length? Meter. 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 So this will become what? Ohm into meter. Ohm, tumhara naam bahut le rahe hain hum log abhi. Ohm. Ohm ka symbol? Yes, sir. Ohm meter. Barabar se dhyan se samjho. अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा. जितेंद्र, जितेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद लेंथ. व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड व्हाट अबाउट रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद एरिया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड देयरफॉर आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ? आर इक्वल टू व्हाट इनटू व्हाट अपॉन व्हाट? R equal to what into what upon what? अरे R equal to, अभी बताया ना. हाँ सर. ओम into area upon length. नहीं, formula. Rho into area. हाँ, directly proportional है बेटा. Rho into length upon area. क्या कर रहा है यार? R equal to rho L upon A. ये याद रखना है. जितेंद्र, जितेंद्र आज सभी ने फर्स्ट टाइम किया है, किसी ने पहले कुछ कनेक्शन नहीं था इसका. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस बताओ? Rho into L upon A. That is right. Where rho is known as what? Rho is known as what? बेटा, rho is known as what? रो का नाम क्या है? रो का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. क्या नाम है उसका, बोलो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. हाँ, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रो एल एंड ए. सो आर इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज नोन एज व्हाट? स्पेसिफिक ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. दैट इज राइट. चलो ये कॉपी कर लो. इसके बाद लिखो डिफाइन कंडक्टिविटी. डिफाइन कंडक्टिविटी. बेटा अभी आंसर देना है आपको. जितेंद्र, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड प्रॉपरली. यस. डिफाइन कंडक्टिविटी, और इसको है ना इससे रिप्रेजेंट करते हैं.